सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह अपने व्हाट्सएप के मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं, या फेसबुक के चैट को, या किसी मैसेज या फिर किसी भी कॉल को हम शेड्यूल किस तरह कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हम ये सारे काम करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। काम को अंजाम देने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। हम प्ले स्टोर में आते हैं। प्ले स्टोर में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे एसक्यू एडिट। ये देखेंगे इसका यूज़र इंटरफेस है। इसके 100,000 डाउनलोड्स हैं और इसकी 3.9 रेटिंग है। मैंने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, आप इसको साइन इन कर लीजिए। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से हम जिस भी चीज़ को शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप को, SMS को, ईमेल को, कॉल को, फेसबुक को, किसी भी चीज़ को हम शेड्यूल करना चाहते हैं वो आप हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, व्हाट्सएप पे आने के बाद ये परमिशन मांगेगा कुछ, उसको परमिशन दे देते हैं। तो मैं इसको ओपन कर दिया। व्हाट्सएप पर आने के बाद यहाँ से हम इसके लिए कोई कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने इस कॉन्टैक्ट को ऐड कर लिया। अपने कॉन्टैक्ट को ऐड करने के बाद यहाँ मैसेज टाइप कर लेते हैं, हाय। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे इसने डेट एंड टाइम दिया हुआ है, और यहाँ हमने इससे टाइम डेट सेट कर दी और यहाँ पर हमने टाइम सेट कर दिया। जैसे अभी 5:46 हो रहे हैं तो मैंने 5:48 PM सेट कर दिया है। रिपीट पूछ रहा है, दो ताना रिपीट करना है, तो मैंने कहा नहीं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आस्क मी बिफोर सेंडिंग, यानी भेजने से पहले आपसे पूछे, मैंने कहा यस। इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ऑप्शन को ऑन करने के बाद इसको हम शेड्यूल कर देते हैं। ये मैसेज हमारा शेड्यूल हो गया है, लेकिन शेड्यूल सक्सेसफुली। अब जैसे ही यहाँ पे 5:48 होंगे, हम देखते हैं ये मैसेज हमारा सेंड होता है या नहीं। इसी तरह हम यहाँ से SMS भी अपना शेड्यूल कर सकते हैं, ईमेल भी, कॉल भी, या फेसबुक की देखें आपके पास नोटिफिकेशन आती होंगी कि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, तो हम उसको जैसे 12 बजे जैसे उस टाइम हम उसको विश करने के लिए यहाँ पे शेड्यूल SMS कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फेसबुक भी शेड्यूल हो जाएगा, और ये कितनी भी ऐप्स हैं सारी हमारी शेड्यूल हो जाएंगी। तो आप देखते हैं टाइम होने वाला है हमारा 5:48, इसके बाद ये व्हाट्सअप हमारा सेंड हो जाएगा। तो ये देखें, इसने नोटिफिकेशन भेजी है मुझे, इस पर मुझसे पूछ रहा है इस मैसेज को सेंड करना है या एडिट करना है या डिलीट करना है। अब देखिए, मैंने इसको कह दिया यहाँ से कि ये सेंड नाउ। अब इसने ये मैसेज यहाँ से भेज दिया। ये देखिए यहाँ पे टिक हो गया, ये मैसेज यहाँ से देखिए आपके सामने सेंड हो गया है खुद ब खुद। तो देखा दोस्तों, कितना आसान था ये। इस ऐप की मदद से हम किस तरह अपने मैसेजेस किसी कॉल को या फेसबुक के चैट को हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या मसला हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।